वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों इस वक्त मैं आया हूँ जो ईशान अली की जो टीम में काम करते हैं चचा, जिनका रोल दामाद का जो रोल करते हैं और काफ़ी अच्छी एक्टिंग करते हैं, तो उनका ये घर है जो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और मैं चचा से मुलाकात करूँगा, ये पर्सनल इंशाल्लाह इंटरव्यू उनका आएगा। ये भी मैं ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, तो आप ब्लॉग पहले देखिए। तो अभी हम जो ईशान अली के जो दामाद मतलब यानी कि जो ससुर का रोल करते हैं, अभी हम उनका इंटरव्यू लेने वाले थे, तो वो इस बात में हम इंटरव्यू नहीं ले पाए क्योंकि वो कहीं पर शूट पर जा रहे थे। तो ईशान भाई जब तक के लिए आ गए थे और हमारा मैक भी तब तक कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो हमने इंटो उनके घर के सामने दिया है। तो अब हम मतलब अगली बार में जो हमारा नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उन्हीं के साथ में आएगा, क्योंकि जुमे वाले दिन मैं जाऊँगा और इंटरव्यू ख़ास तौर से स्पेशल उनका इंटरव्यू दूंगा। तो आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे, आपने सोचा होगा ये साथ में है तो पूरा ब्लॉग किया होगा। नहीं, पूरा ब्लॉग नहीं हो पाया, अब पूरा ब्लॉग बाद में होगा, क्योंकि जैसे हम इंटरव्यू लेने वाले थे अचानक ईशान भाई आए थे, तो उन्होंने ये कहा था चलो चचा शूट पर चलते हैं, तो मैं नहीं ले पाया। तो चचा बड़ा शर्मिंदा थे, कह रहे बेटा फिर कभी। तो अब इसी तरह से ब्लॉग में रहना कभी भी, यानी कि अब मैं नेक्स्ट जो भी ब्लॉग आएगा तो ईशान अली भाई के साथ इंटरव्यू के साथ आएगा और चचा भी आएंगे। यानी कि हजियापुर की पूरी लोकेशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जो मेन पूरी बरेली क्षेत्र के फेमस ब्लॉगर हैं। तो भाई चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अब अगला ब्लॉग ऐसा ही आएगा, इसलिए मैंने सोचा इंट्रो दे दूं, ख़त्म कर दूं, ताकि मतलब लोग ये ना समझें कि मतलब थंबनेल क्या है, बोल क्या रहे। मैं गया ज़रूर था बरेली, बस मुलाकात नहीं हो, मुलाकात भी हुई थी, बस शूट नहीं हो पाया था। तो चलते हैं, जय हिंद, अगले शूट में मिलते हैं।